ग्रेट। सो मैं अभी जस्ट फ्रेश हुई हूँ, मैं ऑफिस से आई हूँ, मुझे ऑफिस से आई हूँ, एक घंटा हो गया है। मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी और यहाँ पर मैंने चढ़ाई हुई ये दाल जिसकी सीटी आ रही है, ये मुझे सीटी मार रहा है अकेले देख के, क्योंकि हनी अभी ऑफिस से नहीं आया ना, तो ये मुझे सीटी मारने जा रहा है। और मैं अभी आ तो गई थी, मैंने ना कपड़े सुबह गला के गई थी तो मैंने धुल के डाले हुए हैं, तो यहाँ मैंने मेरे सारे के सारे कपड़े डाल दिए हुए हैं। तो आप देखो मेरे और हनी दोनों के कपड़े इधर डले हुए हैं और अंधेरा है ना तो दिखाई नहीं दे रहे, तो बस अभी कपड़े धुल के डाले हैं मैंने। और मैं सोच रही थी कि अभी ना मतलब मुझे शाम की पूजा भी करनी है, तो मैं पूजा भी कर देती हूँ और लाया अभी तक मैंने गेट नहीं बंद किया था। और अभी मुझे ना ये बेड शीट जो मैंने बिछाई थी ना इसको भी मुझे धुलना है, तो अभी मैं बेड शीट भी धुलूंगी, क्योंकि मेरी बेड शीट अभी मुझे थोड़ी सी ना गंदी गंदी से लगने लग गई है, क्योंकि ना पता नहीं इस वाले रूम में ना ऐसा धूल ही आती रहती है, मुझे ऐसा लगता है इस रूम में ना बहुत ज्यादा धूल आती है, तो मुझे ना बेड शीट से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा धूल धूल सी लग रही है, तो मैं ना अभी इस बेड शीट को चेंज कर दूंगी और इसको रात भर एक गल जाएगी तो मॉर्निंग में इसको धुल दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ शाम की संध्या करने के लिए, तो चलो पहले संध्या कर लेती हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी काम भी करने वाली, देखो मेरे नेल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये नेल पेंट मैंने कब से लगाई हुई है, अभी तक मैंने चेंज नहीं की है, तो मुझे नेल पेंट भी चेंज करनी है। उससे पहले पूजा करूंगी फिर मैं नेल पेंट लगाऊंगी। मैं ट्राईपॉट ढूंढ रही हूँ, मुझे ट्राईपॉट ही नहीं दिख रहा है, तो चलो पहले पूजा कर। अभी हटाई नहीं हुई है क्योंकि मुझे ना लाइटिंग अच्छी लग रही है और मैंने दाल चढ़ाई ना, तो सीटी आ रही है दो तीन, अभी एक ही सीटी, पहली सीटी बजी हुई है, अभी बजने दो, तो सीटी तीन सीटी में मैं बंद कर दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ नेल पेंट रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे ना मैंने मेरा बॉक्स निकाल लिया हुआ है, इसमें से ना मुझे वाइप्स निकालनी है और नेल पेंट भी मैं निकाल लेती हूँ कि मैं कौन सी लगाऊंगी, तो मैंने निकाल लिया वाइप। पहले मैंने वाइप से अपनी नेल पेंट को रिमूव कर ली थी। दिखाऊं मेरे नेल पेंट रिमूव वाले फिंगर भी आपको, तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और अभी ना कलर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर है, तो अभी मैं थोड़ा सा काम वाम करूंगी ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और मैंने ना ये तीन कलर अपने लिए निकाल के रखे हुए हैं कि तीनों में से कोई सा कलर मैं लगाऊं, तो मेरा मन कर रहा है इन दोनों कलर को छोड़ के ये वाला कलर लगाने के लिए। तो आजकल ना मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ढिनचैक से कलर लगाऊं, तो मैं ना ये वाला मेरे पास रखा हुआ है तो मैं यही वाला लगाऊंगी। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस करा हुआ है, तो वाला कलर ये मैं लगाऊंगी, बट मैं खाना वाना पहले खा लेती हूँ उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि अभी लगा लूंगी ना तो मुझे बर्तन भी धुलना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, तो मेरी पूरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। और अभी ठंडी है ना तो जल्दी सूखती भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ बाकी के जो काम पड़े हुए ना मैं वो कर लेती हूँ। तो अभी मुझे ये बेडशीट धुलने डालनी है, तो मैं अभी बेडशीट धुलने के लिए डालूंगी और कल मुझे बेडशीट धुलनी पड़ेगी, तो चलो कोई बात नहीं, ये काम भी करना है। चेंज कर दिए, ये रही मेरी बेडशीट, ये भी अच्छी लग रही है। वाली बेडशीट देख देख के ना आप लोग काफी बोर हो गए हूँ, क्योंकि जब मुझे ये वाली बेडशीट नहीं मिली थी ना तो अधिकतर टाइम में ये वाली बेडशीट डालती थी। और एक और है वो पॉलिस्टर वाली है ना, तो वो पता क्या होता था कि वो बार बार ना बिखर जाती थी, कितना भी जमा लो उसको बिखर जाती थी। और अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में और अभी इनको भी मैं गला देती हूँ, तो यहाँ मैंने ना पहले से ही पानी भर के रखा हुआ था, बस अब इसको गला देती हूँ, रात भर में अच्छे से गल जाएगी ये। तो चलो अभी हम बाहर जाते हैं और जा रही हूँ दाल बनाने के लिए, तो मेरी दाल तो बॉईल हो चुकी है, आज मैं बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि दाल चावल ना बहुत दिन हो गए खाए नहीं हमने, तो आज मेरी दाल चावल खाने की इच्छा हो रही थी। मैंने हनी से भी फोन लगा के पूछा तो बोलते हैं मैं भी दाल चावल खाऊंगा, बहुत दिन हो गए नहीं खाए, तो मेरी दाल देखो कितने अच्छे से ना बॉयल हो गई। तो मैंने ना हल्दी और नमक डाल के रखा था और मैंने ना लहसुन डाल दी, तो लहसुन ना जब अच्छे से इसमें बॉईल हो जाते हो फिर दाल में खाओ तो उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज्यादा ही यमी होता है। तो चलो अभी मैं दाल और चावल पहले बना लेती हूँ फिर आप। मेरी बन चुकी है दाल और ये ना सुबह की सब्जी रखी हुई है, मैंने मटर की बनाई थी लंच के लिए, तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लग रही थी ना, तो मैंने इसको खाने के लिए रख ली। और ये ना पीछे से हंस के गए हैं कि मुझे तो ज्यादा टेस्टी लगी, तुम्हें बड़ी अच्छी, एक दिन उन्होंने खुद ने बनाई थी तो उनको अच्छी नहीं लगी थी, बाकी आज मैंने बनाई थी ना बहुत अच्छी लग रही थी, मजा आ गया था खा के।
और ये रहा सैलेड और इसमें बना रही हूँ चावल। तो बस अभी हम लोग दाल चावल खाएंगे। और यहाँ देखो बर्तन कितने ज्यादा हो गए, हम दो लोग रहते पर बर्तन हुआ तो इतना ज्यादा होता। हम मैं खाना बनाते बनाते दो बार ऑलरेडी बर्तन साफ कर लूंगी ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन निकलते हैं, दिमाग खराब नहीं तो। तो चलो अभी हम खाना वाना खा लेते हैं, फिर देखने जाएंगे बिग बॉस, क्योंकि आज है वीकेंड का वार, तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले। और बताना है ये देखो यहाँ और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज्यादा ना दो पिंपल हो रहे, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। आप में से किसी ने कमेंट भी किया था ना मुझे कि दी आपको यहाँ पे पिंपल हो रहा है या रेड कलर का कुछ लग गया है, तो क्या आपने देखा नहीं करके? तो नहीं डियर, ये ना पिंपल हो रखा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये ना निशान ही नहीं हट रहा है, मुझे खुद ही नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। बट एनीवेज अब तक रहेगा तो ठीक है, बाकी मैं ऐसे कुछ लगाती धगाती नहीं, सिर्फ बोरोप्लस लगा के रख देती हूँ तो ठीक हो जाता है। और अभी मैं बिग बॉस पहले वूट से डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर देखेंगे बिग बॉस। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और कल मैं खाना वाना खाया और मैंने विद आउट बर्तन धुले ही, मैं बिग बॉस आ गया तो मैं देखने लगी, और बिग बॉस देखते देखते ना मुझे नींद आ गई, तो मैंने फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं करा। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट कर दिया। तो मैं उठ तो गई थी काफी पहले ही, बट ना मैंने थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करनी थी वो मैंने कर दी, और कपड़े वगैरह जो धुलने थे जो मैंने कल गलाए हुए थे ना वो मैंने धुल दिए हैं। और अभी जा रही थी मैं नाश्ता बनाने, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और यहाँ पर हम कुछ काम कर रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं बनाने जा रही थी पोहा, तो मैं दिखाऊं मैंने यहाँ पे पोहा के लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली हुई है। और ये रहा गुड़, तो आज मैं बनाऊंगी गुड़ का हलवा, अगर गुड़ वाला हलवा मतलब आटे वाला जो हलवा होता है ना वो बनाऊंगी, बट मैं गुड़ डालूंगी, चीनी नहीं डालूंगी उसमें। तो चलो अभी हम बना लेते हैं पोहा और आटे का हलवा। अब मैं बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा, तो मैं किस तरह से आटे का हलवा बनाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आटे को बहुत अच्छे से सेक लिया हुआ है, जब आटा अच्छे से सिक गया तो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है घी, और फिर मैंने अच्छे से घी और आटे को मिक्स किया, तो फिर इसमें से सौंधी सी खुशबू जब आने लगेगी तो इसमें ऐड कर देना है गुड़। और जब गुड़ डालोगे ना तो ये गुड़ मेल्ट भी होगा, तो इसकी जो थिकनेस है ना वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। तो बस मैंने मिक्स कर लिया, इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है पानी। अब इसको बहुत अच्छे से चलाना है, नहीं तो गाठियाँ बढ़ने लग जाएंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको चलाया तो ये थिक हो गया है, तो कुछ इस तरह से दिखने लग गया है आटे का हलवा। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हुआ कटे हुए बादाम, तो मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से अभी मैं टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि टेस्ट कैसा है हलवे का। और यहाँ पर मेरा पोहा भी बन के रेडी हो चुका है, तो बस अभी हम गर्मा गर्म पोहा और हलवा खाने वाले हैं। तो मुझे ना हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी सा दिख रहा है, अभी टेस्ट में कैसा है वो भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी। वैसे तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मम्मी लोग ना इसी टाइप से बनाती ठंडी में हलवा, और शक्कर वाला तो हमेशा बनाते रहते हैं, गुड़ वाला भी आप लोग ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से बनाना जैसे मैंने बताया है। तो आप लोग ना ठंडी में शक्कर वाला हलवा खाना भूल जाओ, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ देखो रात के दाल चावल भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बर्तन निकाल दिए धुलने के लिए। तो अभी ना या तो इनको जीरा राइस बना लेंगे या फिर तड़का लगा लेंगे, तो लेमन राइस बना लेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलो पहले तो अभी हलवा बन गया, हलवा खा लेती हूँ और जो नाश्ता बनाया वो खा लेते हैं इसके बाद। हो गया था और मैं ना बाहर थोड़ा सा टहल रही थी, टहल क्या रही थी, मैं ना एक्चुअली धूप लेने के लिए आई थी, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी धूप आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि बाहर उधर वाली खिड़की में मतलब गैलरी में ना अभी धूप नहीं आती, 12-1 बजता है ना उसके बाद उधर धूप आना स्टार्ट होती है, बट इधर ना मॉर्निंग में ही आ जाती है धूप। तो इधर खड़े रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, बहुत अच्छा लगता है। और ये ना पूरा का पूरा कितना प्यारा लगता है, और यहाँ पे ना चारों तरफ से गर्मी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हवा ना चारों तरफ से आएगी, बट अभी थोड़ा सा ये दिक्कत है कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है और हवा तरफ से आती है ना, तो ठंडी वाली फीलिंग आने लग जाती है। और अभी ना मुझे कपड़े भी डालना है, तो मैंने कपड़े नहीं डाले हैं, पानी निथर रहा था उनका, मैं सोची जब तक चलो नाश्ता की तो बाहर बैठ के थोड़ा सा विटामिन डी ले लिया जाए। और इधर जब भी मैं खड़ी रहती तो मुझे ये वाला व्यू ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस तो अभी थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, घूमूंगी, फिर जाऊंगी कपड़े डालने के लिए, और यहीं पे कपड़े डालती हूँ। ये रस्सी आप लोगों को मेरे कपड़े तो दिखाई नहीं, मैं यहीं डालती हूँ, क्योंकि चादर वगैरह है ना तो यहीं डालो तो बेटर रहता है।
और अभी मैं गई थी नीचे मटर लेने के लिए, तो मटर वाले भैया से मैंने मटर भी ले लिए हैं। तो चलो पहले कपड़े डाल देती हूँ फिर बाहर बैठी रहूँ, क्योंकि ठंडी में ना ऐसी आलसी करो ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट हमारे काम नहीं हो पाते। तो बस अभी मैं कपड़े पहले डाल देती हूँ, उससे पहले मैं ना अपने वीडियो का हैंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो कल से चला जा रहा है, मुझे भी नहीं पता वीडियो कितना बड़ा हो गया। और अभी देखो मेरे एरिका के प्लांट कितने अच्छे से अभी ना हरे भरे से हो गए, क्योंकि इनका मैंने पॉट जो था ना वो चेंज कर दिया, तो ये हरे भरे से हो गए और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आप में से ना किसी ने कमेंट किया था कि मैंने सब बोला था ना कि फर्टिलाइज़र डालना है कि नहीं डालना है मुझे बता देना, तो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि इसमें फर्टिलाइज़र मत डालना अदरवाइज ये मतलब मर जाएंगे, तो फिर मैंने नहीं डाला फर्टिलाइज़र इसमें। बस मैं सोच रही कि इसमें ना आई थिंक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उसमें क्या बोलते चाय की पत्ती का पानी डाल देना तो ये ना अच्छे हो जाएंगे, तो मैंने इसमें चाय की पत्ती का ही पानी डाल दिया था ना तो ये अच्छे भी हो गए हैं। और देखो मैं अगेन अपनी बातों से भटक गई हूँ, मैंने बोला था कि मैं वीडियो का एंड करती हूँ तो मैं आप लोगों को ये सब बताने लगी। तो चलो अभी अपने इस वाले वीडियो ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और अब आपसे मिलूंगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। आज वाला मेरा वीडियो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आई होप मेरा आज वाला वीडियो ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, चेक यू ऑल।